प्यार किसी बाधा को नहीं मानता, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स के प्यार में पड़ जाएं जो समाज के साथ साथ देश के लिए आदर्श इंसान न हो, तब क्या होगा। बॉलीवुड की ऐसी कई हीरोइन हैं जो अंडरवर्ल्ड माफियाओं के प्यार में पड़ गई थीं, इस वजह से उनकी ज़िंदगी और करियर तबाह हो गया था। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को तो जेल की हवा खानी पड़ी थी, वहीं एक अन्य हीरोइन ड्रग रैकेट केस में अभी भी गुनहगार है और उसकी पुलिस को तलाश है। सिनेमा वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अंडरवर्ल्ड और ग्लैमर की दुनिया का कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है। अंडरवर्ल्ड के माफिया न सिर्फ फिल्मों में पैसा लगाते रहे हैं, बल्कि हीरोइनों के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे आप उन 6 हीरोइनों के बारे में जो अंडरवर्ल्ड माफियाओं के प्यार में पड़ गई थी और उनका करियर चौपट हो गया था। तो आइए जानते हैं उन 6 हीरोइनों के बारे में। नंबर 1 पर हैं हिना कौसर। फिल्म डायरेक्टर के आसिफ की बेटी हिना कौसर 70 के दशक की हीरोइन रही हैं। वे तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने 1991 में गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से निकाह किया। वे फिल्मी करियर छोड़कर इकबाल मिर्ची के साथ यूके जाकर बस गई थीं। खबरों की माने तो इकबाल मिर्ची का 2013 में निधन हो गया था। अभी फिलहाल हिना कौसर यूके में ही रह रही हैं। नंबर 2 पर हैं अनीता अयूब। अनीता अयूब एक पाकिस्तानी हीरोइन है जिनकी दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियाँ थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब पाकिस्तानी डायरेक्टर जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया था, तब वो दाऊद की गोलियों का शिकार हो गए थे। अनीता ने कुछ समय के लिए बॉलीवुड में भी काम किया था। नंबर 3 पर हैं मंदाकिनी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मशहूर हुई मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्यार में पड़ गई थी। बॉलीवुड में उनका अच्छा भविष्य था, पर दाऊद के साथ एक फोटो वायरल होने के कारण उनका करियर ठप हो गया था। इसकी वजह से उन्हें कभी फिल्में नहीं मिली थीं। वे 1996 की फिल्म जोरदार की रिलीज के बाद इंडस्ट्री से गायब हो गई। इसके बाद उनका कोई पता नहीं है। नंबर 4 पर है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी कभी छोटा राजन के साथ अपने रिश्ते की वजह से सुर्खियों में थीं। बाद में उनका नाम छोटा राजन के साथ ही विकी गोस्वामी के साथ जुड़ा। दोनों 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट के मामले में आरोपी हैं। नंबर 5 पर है मोनिका बेदी। मोनिका बेदी ने सलमान खान, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे स्टार के साथ काम किया था, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के साथ उनके रिश्ते का खुलासा हुआ तो यह जानकर हर कोई हैरान रह गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस्लाम कबूल करके अबू सलेम से शादी कर ली थी। ये दोनों लोग दुबई में एक प्रोग्राम के दौरान मिले थे। अबू सलेम ने बिजनेसमैन बनकर मोनिका से नज़दीकियाँ बढ़ाई थीं। मोनिका और अबू सलेम को 2002 में लिस्बन पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए पुर्तगाल में घुसने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें सन 2005 में भारत को सौंप दिया गया था। जेल में 2 साल गुजारने के बाद मोनिका 2007 में रिहा हो गई थी। नंबर 6 पर है सोना। सोना की सूरत मधवाला से काफ़ी मिलती थी और डॉन हाजी मस्तान मधवाला के दीवाने थे। वे मधवाला को तो नहीं पा सकते थे, पर उनके जैसी दिखने वाली हीरोइन सोना को दिल दे बैठे और उनसे शादी कर ली थी। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपने जाना बॉलीवुड की उन 6 हीरोइनों के बारे में जो अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में पड़ गई थीं और उन्होंने अपना करियर चौपट कर लिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।